राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज नागालैंड में है। यहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कई बातें कही। राहुल ने कहा कि भारत में इस वक्त एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी भारत की सभी संस्कृतियों पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। राहुल की यात्रा फिलहाल नागालैंड से गुजर रही है। उन्होंने नागालैंड के लोगों से कहा कि बीजेपी और आरएसएस आपकी भाषा का अपमान कर रही है। मुझे शर्म आती है कि पीएम ने 9 साल पहले नागा समुदाय से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि जब मैं यहाँ भाषण देने चला तो कहा गया यहाँ के लोग इंग्लिश समझते हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता था कि यह स्पीच नागमीज भाषा में भी ट्रांसलेट की जाए, क्योंकि यह आपकी बोलचाल की भाषा है। यह वही भाषा है जिस पर आरएसएस और बीजेपी हमला कर रही है, अपमान कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे रास्ते में आपकी संस्कृति, आपके रहन सहन की झलक देखने को मिली। आपका इतिहास काफी समृद्ध है, लेकिन वर्तमान में भारत एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। आरएसएस और बीजेपी भारत की सभी संस्कृतियों पर हमला कर रही है। हम अपनी यात्रा को यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्य भारत के बाकी हिस्सों के जितने ही महत्वपूर्ण है, भले यहाँ जनसंख्या कम हो या ज्यादा, लेकिन महत्व उतना ही होना चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि मुझे शर्म आती है कि पीएम ने 9 साल पहले नागा समुदाय से किया वादा पूरा नहीं किया। यदि आप समाधान नहीं कर सकते तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हम यह जानते हैं कि आपके मुद्दे गंभीर हैं और आपको समाधान की आवश्यकता है। नागालैंड के लोगों को विश्वास में लिए बगैर और नागालैंड से बातचीत किए बिना समाधान नहीं हो सकता। लास्ट ईयर वी वॉक फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर in the Bharat Jodo Yatra to bring the people of India together, different religions, different languages, different cultures, different ideas, we brought them together. And we thought that we should do a similar Yatra from east to west. And we wanted to send a message, that the Northeast is as important as any other part of India. नागालैंड में 1950 के दशक से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। उनकी मांग है कि नागा के लोगों को अपना स्वायत्त क्षेत्र दिया जाए। इसमें नागालैंड के अलावा उनके पड़ोसी राज्य असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ म्यांमार के नागा आबादी वाले सभी इलाके भी शामिल हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राज्य के दो टुकड़े कर दिए। वहां की राजनीति ने राज्य को तोड़ दिया, उन्होंने राज्य को बांट दिया, राज्य को जला दिया और आज केवल 2-3 लोग देश के पूरे कारोबार को नियंत्रित कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि पीएम ने 9 साल पहले नागा समुदाय से किया वादा पूरा नहीं किया। इट डजंट मैटर इफ द पॉपुलेशन इज लेस, बट द इंपॉर्टेंस हैज टू बी द सेम। I am almost ashamed to tell you that after what has happened in Manipur, the Prime Minister of India has not gone there. As an Indian person, I am ashamed that my Prime Minister has not been to Manipur yet. Their politics have torn the state apart. They have divided the state. They have weaponized the state. They had burnt the state and they cannot even step foot in the state. अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास समाधान है। आप कहते हैं कि मुझे समाधान जरूर ढूंढना चाहिए, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम समझते हैं कि आपके मुद्दे बहुत गंभीर है और आपको समाधान की आवश्यकता है। नागालैंड के लोगों को विश्वास के बिना, नागालैंड से बातचीत के बिना कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि मैं नागालैंड का कोई भी मुद्दा उठाऊं तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।